हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका संगीताना चैनल पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हो चुकी है इवनिंग और हो गया है डिनर टाइम, तो प्रिपरेशन करेंगे किचन में चल के। और आज बनेगी किचन में रसीली आलू मटर की सब्जी, जो कि होती है मोस्टली बच्चों की फेवरेट। यस अनाया, सो चलें किचन में। आलू हमने बॉयल कर ली, क्योंकि फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, मैं नहीं बताऊँगी कहाँ आई हूँ। तो फिलहाल आपको सब्जी देखने को मिलेगी। मटर हमने बॉयल कर लिए, थोड़ा सा हमने सॉल्ट भी डाल लिया था। अगर आप भी अच्छी सब्जी बनाना चाहते हैं तो बॉयल करते वक्त थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें तो टेस्ट और इन्हेंस करता है। तो चलिए प्रिपरेशन करते हैं। कढ़ाई चढ़ा लेते हैं हम लोग गैस पे, ऑफ कर लेते हैं। आलू बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। और एक चीज़, जब भी आप रसीली आलू बनाएं ना, तो कभी भी गर्म आलू नहीं डालें, क्योंकि गर्म आलू ना बिल्कुल उसमें मैश हो जाएगी, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस पहले हम आलू पील ऑफ कर लेंगे और उसको फोड़ लेंगे। हाथ से फोड़ने का चाकू से मत कर करिएगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। जब आप ना रसीली सब्जी बनाएं तो बस इसको आलू को ऐसे लें और आलू को ऐसे करके तोड़ लें। और एक बात, जरूरी बात, किचन में आने से पहले प्लीज हैंड वॉश जरूर कर लें, जो कि मैंने कर लिया है। हर चीज दिखाना ब्लॉग में पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए आलू बॉइल करके फोड़ लेते हैं और बनाते हैं सब्जी। आलू हमने पूरी जो है ना पील ऑफ करके मैश करके रख लिया है। चलिए मसाले पीस लेते हैं। तो लहसुन हमने छील लिए, बारी है प्याज कट करने की। तो प्याज कट करके फिर इसको ग्राइंड करते हैं मिक्सी जार में। सो अनियन हमने रफली चॉप कर लिए हैं और ले लिए हैं गार्लिक और रेड चिली, इसको भी ग्राइंड करेंगे। टोमेटो मैं कट करके डालूंगी, इसको मैं पीसूंगी। सो टोमेटो हम कट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने बोला है कि हम इसमें टोमेटो नहीं कैसे खाएंगे, तो सारा कुछ ग्राइंड कर लेते हैं इसमें। सारे मसाले यहाँ पे रखे हैं, तो मैं एक एक करके पहले मैं मसाले निकाल लेती हूँ, उसके बाद छौंकी जाएगी अपनी सब्जी। सो सारे मसाले मैंने निकाल लिए। सबसे पहले हम छौंकेंगे इसे जीरा से, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला और नमक। इससे अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए आते हैं बनाते हैं अपनी सब्जी। सबसे पहले डाल लेते हैं जीरा। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, हमारा मसाला हमने ग्राइंड किया था। पानी डाल के निकाल लेंगे, इसके बाद मसाला रह गया है इसमें। इसको हम वेस्ट नहीं लाने देंगे, इसमें हम पानी डाल के यूज कर लेंगे ग्रेवी के लिए। इसको रख देते हैं अभी साइड में, इसको सॉटे करेंगे। सॉटे करने के साथ साथ फिर बॉयल्ड हम मटर भी डाल देंगे, ताकि इसमें ना इसमें भी फ्लेवर्स अच्छे आ जाए मसाले के। सबसे पहले मैं डालूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। अभी सेंधा नमक हम करने सेंधा नमक यूज़ करते हैं। सेंधा नमक ज़रूर खाएं अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो। जब तक ये अच्छे से कुक होता है सॉल्ट रख देते हैं साइड में, चीज़ें यहाँ से हटाते जाएंगे। डाल देते हैं टर्मरिक, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। इस सब्जी में ना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते हैं, बस इसे अच्छे से हम कुक करेंगे। ओ, जब आप दूसरी किचन में ना तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मैं ढूंढ रही थी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, मुझे लग रहा है पता नहीं वो ग्रीन चिली जो है ना इसकी हो या ना, मैं सोचा थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर रहती है। बिस्किट मिले हैं, आपको खाना तो खा सकते हैं, मुझे भी नहीं खाना है। और बिस्किट भी पता है कौन से, न्यूट्रीलाइट की बिस्किट है, हेल्दी बिस्किट होता है, इसके ओट्स के बिस्किट होते हैं और शायद जौ वगैरह के जो भी है। तो बेटर है कि मैदे से ज़्यादा मैदा स्किप करें और ये बिस्किट जो रखें किचन में अपनी। मैंने रेड चिली का पाउडर का बॉक्स मिल गया है, ढूंढने से तो डाल देते हैं जरा सा टेस्ट के लिए। तो सारे मसाले हमारे अच्छे से सॉटे हो गए हैं और मटर भी अच्छे से कुक हो गई है। टाइम हो गया है बस आलू डालने का। और
आलू को अच्छे से बॉईल किए, इनको बहुत टाइम नहीं लगना है, थोड़ा सा एक बॉईल आना है बस। और आपको अगर खानी है सूखी सब्जी तो इससे आप थोड़ी सी निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जिनको सूखी सब्जी पसंद है वो ऐसी भी खा सकते हैं। अदरवाइज इसमें पड़ेगा पानी और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी हमारी है ये। इसका जो स्मेल है ना, स्वाद इसका अभी से पता चल रहा है कि सब्जी कितनी ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो बस बहुत अच्छे से हो गई है हमारी आलू फोटी। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले वाला पानी। तो इस जार में हमने डाल दिया पानी, जो भी मसाला था बिल्कुल भी मिसयूज नहीं किया है हमने, इसको डाल देते हैं। बस एक खोल आएगा। सो जब तक हमारी सब्जी खोल ली तब तक हम छोटे मोटे काम कर लेते हैं और डाल लेते हैं इसमें धनिया। और आपके पास अगर देसी धनिया हो तो उसकी बात ही क्या है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। तो बस हमने रफली चॉप किया, बहुत ज़्यादा छोटा वोटा कट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, धनिया जब भी मार्केट से लेना तो कोशिश करें इसका जो डंठल होता है, जो रूट होता है, उसको जितना कम हो उतना कम कट करें, क्योंकि जो स्वाद उसके डंठल में होता है ना वो पत्तियों में नहीं होता है। आप डाल के देखिएगा, अगर आप पत्तियाँ नहीं भी डालेंगे ना, केवल डंठल डालेंगे तो ना उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो फिलहाल अभी मैं नहीं डालूंगी, जब ये सब्जी पक जाएगी तभी धनिया मैं ऊपर से डालूंगी गार्निशिंग के लिए, टेस्ट के लिए। तो बस हमारी सब्जी जो है बॉईल हो रही है, अभी ये 10 मिनट तक हम इसको कुक होने देंगे, उसके बाद फिर आएंगे किचन में। तो सब्जी ऑलमोस्ट हमारी कुक हो गई है, अब हम डाल देते हैं इसमें फ्रेशली चॉप धनिया और इसको रख देते हैं बंद करके, जब तक मेरा चावल पकेगा फिर मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी। सो जब तक सब्जी पक रही है, मेरी बेटी अनाया को ना भूख बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है, तो उन्हें चाहिए एप्पल। तो बस तो कट करके बाबू को दे देते हैं। बेटा जूस हुआ तक आया, बहुत जूसी एप्पल है। बस कट कर देती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि खाती कैसे हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इनके भी ना नखरे नहीं है कि कम हो इनके नखरे, इनको चाहिए होता है बस इस तरीके से। कभी इनको चाहिए होता है तब फिंगर फ्राइज की जैसा कट करके, और कभी चाहिए होता है बस ऐसे। मैं निकाल दूंगी, निकल गया उधर से, अंदर से क्या? कैसा मीठा है? ठंडा ठंडा है, मीठा नहीं है, है? अनाया इससे सूट क्या चाहिए आपको? ठंडा है मैं कह रही हूँ, सूट है कि नहीं? चलें आप खाएं। फाइनली आ चुके हैं हम किचन में और लगाते हैं अपनी प्लेट, वेरी सिंपल इंडियन डिनर प्लेट। तो हम लेंगे राइस, ये ऑलमोस्ट इंडियन फैमिलीज का सिंपल डिनर होता है, तो हमने ले लिया राइस। मैं राइस ज़्यादा पसंद करती हूँ तो वो मैंने ली है ज़्यादा, और सैलेड मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी मैं कुकुम्बर खा चुकी हूँ अपनी बेटी के साथ में, और मेरी यमीएस्ट रसीली आलू टमाटर की सब्जी। एक टिप मैं और देना चाहूंगी आपको कि अगर मार्केट में देसी टमाटर ना अवेलेबल हो तो आप उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, टेस्टी महसूस होता है, एक बार ट्राई करिएगा। और मेरी घी चुपड़ी रोटी, मैं अभी तो फिलहाल एक रोटी ले जा रही हूँ, मुझे और लगेगा तो मैं और खाऊंगी। यही टेस्ट करें या फिर रूम में करते हैं। चलिए ले चलते हैं अपनी प्लेट रूम में। सो फाइनली टाइम हो गया टेस्ट करने का और रिव्यू देने का। परफेक्ट टेस्ट है जैसा मैं चाह रही थी। तो मैं फिनिश करती हूँ अपनी डिनर प्लेट, होप सो कि आपने खा लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लाइक वाइज थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बाय बाय एवरीवन।